अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या वो टिप्स और ट्रिक्स जिसको आप इस्तेमाल करके मैक्सिमम एमसीक्यूज के मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनी जो टेस्ट है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, तो आप क्या वो टिप्स है कि जिसको इस्तेमाल करके आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो एंड तक देखना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो एन यू का एंटी टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, सही है। आप जब अपनी कैंपस में यहाँ पर जहाँ पर टेस्ट है वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा, उस कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगा होगा और वो इनिशियलेटर आपको आके डाल के देगा, सही है। उसके बाद आपसे माउस से क्लिक कर सकते हैं आंसर को। अगर आपने गलती से भी कीबोर्ड की कोई की प्रेस कर दी तो आपका कंप्यूटर वापस लॉक हो जाएगा, और अगर कंप्यूटर आपका लॉक हो गया तो आपके 5 मिनट ज़ाया हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप सिर्फ माउस इस्तेमाल करें, क्योंकि आप कीबोर्ड अगर करेंगे कंप्यूटर वापस लॉक हो जाएगा, फिर आप इन्विजिलेटर को बुलाएंगे वो आके वापस खोल के देगा आपको। सो काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि टेस्ट किस तरह से आता है। तो बेसिकली जब आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो राइट साइड पर, सही है, लेट्स सपोज करते हैं हम ये हमारी स्क्रीन है। सो इसके राइट साइड पे यहाँ पर आपको है ना टाइम दिख रहा होगा कि आपका टाइम कितना रिमेनिंग है। यहाँ पर एक वॉच चल जाएगी आपकी 120 मिनट के हिसाब से, सही है, 120 एमसीक्यू से, तो 120 मिनट्स के हिसाब से वॉच चल जाएगी। यहाँ पर बेसिकली आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा और यहाँ पर इसके आंसर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे, और नीचे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। एक तो नेक्स्ट पे जाने का, क्या अगर आपको नेक्स्ट पे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो, सही है। एक प्रीवियस क्वेश्चन पे जाने का, और एक आपके पास होगा व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चन। सो जितने भी क्वेश्चन जो आपने अभी तक आंसर नहीं किए वो आप इस ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं, सही है। तो अब जब आपके पास अब टेस्ट ओपन होगा तो आपके पास एक सवाल आएगा, किसी भी सेक्शन का एक सवाल ओपन हो जाएगा। लेट्स सपोज करते हैं अगर हम कि एडवांस मैथ्स का सवाल आपके पास ओपन हो गया, सही है। एडवांस मैथ्स के हमें मालूम है कि 50 क्वेश्चन होते हैं, तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करें कि हम 50 में से तकरीबन करेक्ट सवाल सॉल्व कर सकें। सो इसकी जो आसान ट्रिक है वो ये है कि आप अपने क्वेश्चंस को है ना एडवांस मैथ्स का जो क्वेश्चन है ना उसको 3 हिस्सों में सॉल्व करें, सही है, एक राउंड 1 में, राउंड 2 में और राउंड 3 में। तो इन 3 हिस्सों में सॉल्व करने की वजह ये है कि लेट्स सपोज करते हैं हम कि सबसे पहला सवाल जो आपको पास रैंडम सवाल आएंगे, तो सबसे पहला सवाल आपको पास बहुत टफ वाला खुला, सही है। अब जो पहला सवाल आपके पास खुला वो आपको मुश्किल भी लगता था और टाइम कंज्यूमिंग भी था, तो हम सपोज करते हैं कि आपने पहला सवाल है वो 5 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लिया, सही है। आपको कंफ्यूज भी हो जाएगा कि आंसर जो आपने निकाला है वो सही भी है कि नहीं, लेकिन आपने टाइम भी इसके अंदर ले लिया 5 मिनट। अब 5 मिनट जब आप देखोगे कि 5 मिनट आपको गुजर गए एक सवाल को सॉल्व करने में ही, और आपके पास 45 मिनट्स बाकी इस पोर्शन के लिए और सवाल आपके पास 49 बाकी है, तो यहाँ पर एक पैनिक कंडीशन ना आ जाएंगे आपके पास, एक पैनिक सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो जाएगी और आपको एक स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा कि टाइम कम बाकी है सवाल ज़्यादा बाकी है, सही है। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए ना बेस्ट ये है कि आप है ना 3 राउंड में ना अपने ना एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। किस तरह सॉल्व करें 3 राउंड में, कि सबसे पहला जो राउंड 1 है ना उसमें आप है ना ईजी सवाल सॉल्व करें जो आपको लगता है कि बहुत आसान आपके लिए, बाकी सवाल आप स्किप कर दें, सिर्फ ईजी सवाल जो आपको लगता है कि देखने से ही आप आंसर निकाल लोगे, या 2-3 स्टेप अगर आप करोगे अपने रफ वर्क के अंदर तो आपको आंसर पता चल जाएगा उनके। तो हम लेट्स सपोज करते हैं कि आपने 10 मिनट के अंदर ऐसे 15 सवाल सॉल्व कर लिए, सही है, 15 क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व कर लिए 10 मिनट के अंदर कि जो आपको लगता था कि यार हो जाएंगे आपको आसानी से ना आप कर लोगे, सही है। अब जब राउंड 2 पे आप पहुँचोगे ना, सही है, तो 15 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए बाकी 35 क्वेश्चन जो आपने स्किप करके अब वापस से आप अपने एडवांस मैथ्स के पोर्शन पर आओगे, तो आपके पास अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन बचे, 35 क्वेश्चन, सही है। अब यहाँ पर आके आपको वो सवाल सॉल्व करने हैं जो थोड़े से आपकी लाज से डिफिकल्टी लेवल के हैं, जिनके मीडियम से मुराद मेरा ये है कि वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि या ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे आपसे, सही है। तो हम सपोज करते हैं कि आपने वो सवाल आपने 20 मिनट्स के अंदर ऐसे आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सही है।
तो अब तक आपने कितने सवाल सॉल्व कर सको? आप 35 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो 30 मिनट्स के अंदर। अब आपको आराम से 20 मिनट बाकी है और 15 क्वेश्चंस बाकी हो गए। ओके, 20 मिनट आपके पास बाकी है और 15 क्वेश्चंस बाकी है। और अब राउंड 3 में वो सवाल आप करने की कोशिश करोगे जो आपके मुताबिक है ना थोड़े से और मुश्किल है, सही है, जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हार्ड है, या आपको थोड़ा सा शक भी उन सवाल पे कि जो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, आंसर से आएगा कि नहीं आएगा, तो वो आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि ये सवाल आप सॉल्व करके जस्ट लाइक 15 + 20 तो 35 क्वेश्चंस आप करेक्ट सॉल्व करके आपका एग्रीगेट इतना बन जाएगा कि वो 70 अबव आ सकते हैं आपके मार्क्स, सही 75 अबव अगर आपके मार्क्स आ सकते हैं, सही है, आपका एग्रीगेट 75 अबव बन सकता है, तो फिर आपको ये सवाल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, सही है, 75 अबव अगर आपका एग्रीगेट बन रहा है इन 35 सवाल को सही सॉल्व करके, तो आपको ये 15 सवाल के अंदर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं तो आप कोशिश करें 20 मिनट्स के अंदर 10 सवाल सॉल्व कर लें, पर क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट दे के आप 10 सवाल सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सो हम लेट्स सपोज करते हैं कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके एटलीस्ट भी कुछ नेगेटिव मार्किंग हो गई तो भी आप ना 45 क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट कर लिए और उसमें से 4 गलत हुए आपके, सही 41 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो कोई मसला नहीं है, आपके फिर भी 40 क्वेश्चन आपके सही हुए, जो कि सिर्फ एडवांस मैथ्स का गए, परसेंटेज वाइज निकाल तो आप 80% आपने पेपर यहाँ पर सही कर लिया। तो ये ट्रिक बड़ी काम की है कि आप सबसे पहले अपने जो भी आपका क्वेश्चन खुला है उसके 3 हिस्से में डिवाइड कर दें, सबसे पहले हिस्से में आसान क्वेश्चन सॉल्व करें, दूसरे हिस्से में थोड़े से मुश्किल सवाल और तीसरे हिस्से में वो सवाल जिनको आपको देखने से लगता है कि यार एग्रीगेट अगर आपका 75 से अबव बन रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप छोड़ भी दें, लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 75 से अबव नहीं बन रहा या अगर आप चाह रहे हैं कि ना सॉल्व करना, तो आप रिस्क ले लें, मगर थोड़ा सा रिस्क ले लें, तो आप कोशिश करें कि जो एंड में जो सवाल हो जितना हार्ड वाले वो एंड में सबसे एंड में सॉल्व करें, तो इससे ये होगा कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच भी सकेंगे और टाइम भी आपका अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, कोई भी इस ट्रिक के लिहाज से या कोई भी आपको और कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।